गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रंजन साइंस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी न्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगी वो आई हुई थी आपके न्यूज़पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन चुनाव से लेकर है, चुनाव होने वाला है, चुनावी माहौल है, जो भी ऐसी डेवलपमेंट निकल के आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसको कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, और स्टेट फंडिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को हमारी गवर्नमेंट पैसे देंगी ताकि वो खर्च कर सके इलेक्शन के टाइम में। तो सजेस्ट किया था स्टेट फंडिंग जो इंश्योर करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पूरे पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और कहा था कि ये देश हित में काम करेगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा। किस कमेटी का ये सजेशन था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट पैसे देंगी पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट को, बताइए किस कमेटी की सिफारिश थी ये? इस कमेटी ने ये भी कहा था कि हम सिर्फ जो रजिस्टर्ड पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उन्हीं को देंगे, सबको नहीं देने की बात कही। ऐसा हुआ तो फिर तो सब पॉलिटिकल पार्टीज बनना है, सब बना लेंगे, हर घर में एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, है ना? तो वो नहीं करना है। किसने ये सजेशन दिया था? ये दिया था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की ये सजेशन थी कि स्टेट फंडिंग इंश्योर करेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पुअर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये जो बाकी के कमेटीज है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जस्टिस रोहिणी सिंह कमेटी रिकमेंडेशन आई है ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन को लेकर, पढ़ेंगे अच्छे से इसको भी। फिर अशोक दलवाई कमेटी, बहुत टाइम की बात है, बहुत हल्ला हुआ था कि फार्मर जो की जो इनकम है उसको डबल कैसे किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? अशोक दलवाई कमेटी को। और जस्टिस मुल्ला कमेटी, ये है रिगार्डिंग प्रिजनर्स के रिफॉर्म को लेके। अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा एडिटोरियल सेक्शन में प्रिजनर्स रिफॉर्म को लेके बहुत सारी आर्टिकल्स भी आ रही हैं, इंपॉर्टेंट होगा। जस्टिस मुल्ला कमेटी प्रिजनर के रिफॉर्म की बात करता है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 में आई थी और स्टेट फंडिंग की बात कही थी। ठीक है, चलो किस कंटेक्स्ट में है ये न्यूज में? तो आपके इंडियन एक्सप्रेस में और आपके द हिंदू में भी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया हुआ था। एक टूरिस्ट थे केरला के, वो कुछ बहुत सारे पैसे लेके कैश में घूम रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनकी जानकारी मिली, फिर कुछ कुछ हुआ उसके बाद, फिर वो हमारे रिलेवेंट नहीं होगा, रिलेवेंट होगा ये सारी बातें। ठीक है, कि कितना खर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कितना खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही फैक्चुअल है बट याद रखना है। अगर लार्जर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लोकसभा में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, और अगर स्मॉलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लोकसभा में 75 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लार्जर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो असेंबली इलेक्शन में आप 40 लाख और 28 लाख अगर छोटे स्टेट से बिलोंग करते हैं। सी, मुझे पता है काफी फैक्चुअल है बट रटना है, मगअप कर लेना है, ये सारी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन सेक्शन में बहुत बढ़िया आर्टिकल आई थी इसके रिगार्डिंग कि कैसे देख रेखाव करता है, कैसे इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सारी बातों को। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्ट करती है अपनी जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सबको वो इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शन देती है और बोलती हैं कि आप जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर एकदम स्ट्रिक्ट विजिलेंट रखना है, एकदम ध्यान देना है। ठीक है, ताकि अगर किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है कैश का, लिक्विड का, ड्रग का, लिक्वर का, तो आप उसको सीज कर सकें और रोक सकें, जो बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वोटर के वोटिंग आइडिया को। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता है जो वोटर्स को, इस तरह की गतिविधियों पर आपको रोक लगाना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर इलेक्शन से पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देता है सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ये बात ध्यान में रखनी है, पता रहनी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले, और फिर क्या करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उसमें फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, सर्वेलेंस टीम होती है, वीडियोग्राफर होता है जो चेक पोस्ट पे तैनात रहते हैं, गतिविधियां जो भी होती रहती हैं कार का, जो भी संदेह उनको लगता है, सस्पिशियस अगर लगता है कोई भी कार या व्हीकल लगता है उन्हें, तो उसका चेकिंग होता है। ठीक है, अगर मान लो उनमें से सामान पकड़ा गया और उस कार में कोई पार्टी वर्कर या फिर कोई ऐसा इंसान जो कैंडिडेट है या फिर उनका एजेंट है और वो कैरी कर रहा है पैसा, ड्रग, लिक्वर, तो उसको इंस्टेंटली सीज कर लिया जाता है। ठीक है, 50,000 से ज्यादा का रकम अगर वो लेके घूम रहे हैं तो, ठीक, तो उनको इंस्टेंटली सीज कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप या फिर मैं, जो हम आम नागरिक हैं, हम घूम रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
वो रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी क्रिमिनल गतिविधियों में इंडल्ज है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है अंडर सीआरपीसी। इंपॉर्टेंट होगा, जानना होगा। देखो रिलेवेंट बातें इनमें से निकाल के हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो कितने खर्च कर सकते हैं ये जानना है, है ना। उसके अलावा ये सारी जो बातें मैंने अभी बताई वो ध्यान रखो तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसपा के रिगार्डिंग किस कंटेक्स्ट में, दो बातें, एक तो हमारे अमित शाह जी ने कहा कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से रिवॉक करे आसपा, और आर्टिकल में आ रखी थी, बताया गया था कि कुछ पार्ट्स में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के एक्सटेंड किया गया है आसपा को। इसी के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। आसपा के रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, स्टैटिक पार्ट पहले डील कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। चलो क्या होता है आसपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में लाया गया था, ठीक है। वैसे तो ये अंग्रेज के टाइम में ही लाया गया था बट फिर इसको कंटिन्यू रखा गया है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आर्म फोर्सेस को पावर और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके। एक्सट्रीम पावर दी गई है इस एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस को, ठीक है, कहाँ पे, डिस्टर्ब एरियाज में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कब अप्लाई होता है, तो जब कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। उसके अलावा क्या होता है डिस्टर्ब एरिया, तो वैसा एरिया डिस्टर्ब एरिया कंसिडर किया जाएगा जहां पे आपको डिस्टर्बेंस दिखे ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप में आपस में डिस्प्यूट या डिफरेंसेस दिखने लगे तो आप उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कौन करता है डिक्लेयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी किसी स्टेट के पार्ट में या फिर पूरे स्टेट में डिक्लेयर कर सकती है एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और क्यों करते हैं, ताकि पीस मेंटेन किया जा सके। क्या है स्पेशल पावर, मैंने बोला आसपा के अंडर में आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स मिलती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। क्या स्पेशल पावर मिलता है, तो उनके पास बहुत ही ज्यादा भर भर के पावर्स होते हैं। वो पांच से ज्यादा अगर कोई भी इंसान एक जगह खड़े हैं तो उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो ओपन फायर भी कर सकते हैं, उनके ऊपर फोर्स भी यूज कर सकते हैं, वार्निंग देने के बाद ओपन फायर कर सकते हैं। ऐसे ही जाके नहीं, वार्निंग देना होता है अगर नहीं हटते हैं, तो उनके पास ये है पावर कि वो ओपन फायर कर सके। उसके अलावा वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, उनके घर में जाके तलाशी भी लिया जा सकता है, ठीक है, बिना किसी वारंट के। बैन कर सकते हैं आर्म फायर आर्म्स के पोजेशन को, कौन, आसपा के जो आर्म फोर्सेज हैं। और अगर कोई भी संदिग्ध पर्सन है, कोई भी ऐसा इंसान जो सस्पेंस है में है, उसको ऑफिसर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनको हैंड ओवर किया जा सकता है, ठीक है। और इनको इम्यूनिटी भी है, क्या कि इनका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। किसको इम्यूनिटी है, आर्म फोर्सेस को इम्यूनिटी है कि इनका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अनलेस द यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड सैंक्शन टू प्रोसिक्यूटिंग एजेंट्स, बिल्कुल ठीक है। चलो कहाँ कहाँ है अभी फिलहाल में, तो मेघालय में था वो हट गया, फिर त्रिपुरा में भी हट चुका है, अभी नागालैंड में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, असम में है और मणिपुर में है और अरुणाचल प्रदेश में है। जब ये आसपा आई थी तो सबसे पहले असम और मणिपुर के लिए आई थी, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट्स में भी इम्पोज कर दिया गया। किसको, आसपा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंटेक्स्ट में हमने इतना सब कुछ पढ़ा, तो कश्मीरी वाली बात अमित शाह जी ने कही और एक्सटेंड हुआ है अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में आसपा को। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, अब आराम से बता दोगे आंसर, तो बताओ जल्दी से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पावर है डिक्लेयर करने का डिस्टर्ब एरिया वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ऐसा है क्या, अभी पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रिप्रमाइंड और प्रोसिक्यूट दोज मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज दैट कमिट ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट सिटीजन। मतलब अगर अभी हमने पढ़ा आसपा के अंडर में जो आर्म फोर्सेस है वो इम्यूनिटी मिली हुई उनको, वो इम्यून है, बट उनको प्रोसिक्यूट कौन कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है तो क्या ये बात सही है, नहीं ये सही नहीं है। चलो उसके अलावा फिर ये बोला जा रहा है कि कोई भी डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा एवरी सिक्स मंथ,
ये वहां नहीं लिखा हुआ था पर ये नई बात है और सही बात है। हर 6 महीने पे रिव्यू किया जाएगा कि वो एरिया अशांत है, ठीक है, और आपको क्या बताना है इसमें से, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है, वन और टू दोनों ही गलत है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट प्रोग्राम न्यूज में था, ये क्या प्रोग्राम है, ये इफोर्ट टू इनेबल इंडियन स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोफेशनल्स इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन स्टूडेंट को स्पेस साइंस में बढ़ावा देने के लिए, उनकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट प्रोग्राम है। किसने स्टार्ट की है स्टार्ट प्रोग्राम, बताइए। स्टार्ट कार्यक्रम भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशवर बनाने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रयास का हिस्सा है, बताइए। स्टार्ट प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है, बहुत इजी है, मुझे पता है, आपको भी पता है, यह है हमारे इसरो का, ठीक है। तो आया हुआ था, क्या करते हैं स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर में, स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर में जिसको कहते हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाम में ही पता चल रहा है, अवेयरनेस ट्रेनिंग, वो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो प्रोफेशनल्स बन सके स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलो, नासा को लेके हमने कल ही पढ़ा था, इनका एक यूरोपा क्लिपर मिशन है, यूरोपा जुपिटर का मून है, वहां पे ये एक बोतल में मैसेज भेजेंगे। किसकी मिशन है यूरोपा क्लिपर्स, नासा की मिशन है। डीआरडीओ एक तो हमने पढ़ा था, इनका लेजर वेपन जिसका नाम था दुर्गा 2, लेजर वेपन है, किसने निर्मित किया, किसने किया, ये डीआरडीओ ने किया। और उसके अलावा फिर डीआरडीओ ने एक और किया था, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, किसका है, डीआरडीओ का है। क्या है ये, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, किसकी है, डीआरडीओ के। और जाक्सा को लेके हमने पढ़ा था कि जाक्सा और नासा ने मिलकर क्या किया था, लिग्नोसैट दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी है, किसने, जापान की स्पेस एजेंसी और नासा ने। चलो, किस हाउस की लोअर पार्लियामेंट की हाउस ने, किस कंट्री के लोअर पार्लियामेंट के हाउस ने बिल पास किया है जो बैन करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन हेयर स्टाइल, कलर और टेक्सचर, काफी फैक्चुअल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बताइए। केस की रंग बनावट से होने वाले भेदभाव की रोकथाम के लिए किस कंट्री के लोअर हाउस ने ये बिल पारित की है, जो ब्लैक वुमेन होती है उनकी बाल कर्ली होती है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू में जाती हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बाल को स्ट्रेट करके आए तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस तरह की चीजों की रोकथाम करने के लिए इस कंट्री ने ये बिल पारित किया है, बताइए। ये है फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस के बिल पास किया है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को जो बेस्ड है ऑन हेयर स्टाइल, कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। थाईलैंड को लेके कल पढ़ा था, इनके भी लोअर हाउस ने बिल पारित किया था सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए, ठीक है। स्पेन क्या पढ़ा था, स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट क्यों पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो पहले सबडक्शन जोन इनएक्टिव हुआ करती थी वो एक्टिव हो रही है, जो ये पोटेंशियल साइन देता है कि आने वाले समय में अटलांटिक सी जो है वो, अटलांटिक ओशन जो है वो श्रिंक कर सकता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। और मैक्सिको को लेकर हमने कल क्या पढ़ा था, इनकी एक ओएसिस की वाटर बॉडी है जो श्रिंक हो रही है, ठीक है। चलो, क्वात्रो निकाग्रास, चलो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF किस मिनिस्ट्री की है, बहुत इजी है और इजी क्वेश्चंस गलत करना आपकी फितरत है, बताइए NDRF किस मिनिस्ट्री की है, फितरत नहीं है, कोई जान मुझको तो बिल्कुल नहीं करता है, बट होता क्या है कि ध्यान नहीं ज्यादा जाता है, ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में 3-4 क्वेश्चन बच्चे ह्यूमन एरर में गलत करके आ जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन होता है वो गलत करके ना चाहते हुए भी आ जाते हैं, और आज के टाइम में 0.25 मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 0.25 मार्क्स से रह जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, इजी क्वेश्चन कभी कभी डुबा देती है। तो NDRF किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है,
क्यों न्यूज में है? तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ ड्राउट आया हुआ है और NDRF से पैसे नहीं रिलीज कर रही है, इसीलिए ये न्यूज में है। ये जो टेसल है सेंटर और स्टेट का बहुत ही चलता है, हमने पहले भी पढ़ा रखा था। पोंडुमनी जी का जो केस हुआ था, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर जिनको गवर्नर अपॉइंट नहीं कर रहे थे तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, है ना। फिर कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था केरला का केस, जहां पे केरला ने नेट बोरोइंग सीलिंग जो है सेंटर ने इम्पोज कर रखी है केरला पे, उसके अगेंस्ट केस किया था। और फिर केरला ने केस किया था प्रेसिडेंट पे और गवर्नर पे कि ये बिल को पास ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये सेंटर और स्टेट का टसल चलते रहता है, हमें क्या करना है, रिलेवेंट बातें निकालनी है। फिलहाल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि NDRF से पैसा नहीं रिलीज करे। हमने पढ़ा है कर्नाटक में अभी ड्राउट लाइक सिचुएशन है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, क्यों चल रहा है, हर एक एंगल जाना था, मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में भी जाना था। फिलहाल बताइए NDRF किस मिनिस्ट्री की है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गृह मंत्रालय की ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो क्यों पढ़ा, दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का और कहा है कि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। किसने कहा, कर्नाटक ने कहा, NDRF, ठीक है, गवर्नमेंट का फंड इसमें रहता है जो टैकल करता है जब भी कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है या फिर कोई डिजास्टर आता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। 13th फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था NDRF और रिप्लेस किया था इसमें पहले CRF को, ठीक है। और किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। अर्थ साइंस को लेके हमने पढ़ा था, समुद्रयान मत्स्य 6000, है ना। उसके अलावा हमने पढ़ा था ब्लू इकोनॉमी को लेके इन्होंने एक वर्कशॉप चलाया था, इस पे रिपोर्ट के बारे में बात किया था और वहां पे नॉलेज पार्टनर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल बहुत अच्छे से जाना था और उसके अलावा फिर PIB का फैक्ट चेक को नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत समय की बात है, हमने जाना था, पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फंड बनाया था जिसका नाम रखा था नॉन लैप्सिबल फंड, जिसमें ये इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी बजट के पैसे जो बच जाते हैं, जो वापस से कंटीजेंसी फंड में चले जाते हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड में चले जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड में ना जाकर करके इस नॉन लैप्सिबल फंड में जाएंगे ताकि उसका हम यूटिलाइज कर सके। किसने ये बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कही थी। चलो, नीमू पदम दाचा रोड ये न्यूज में है, कहां बन रहा है, बन चुका है, BRO ने बनाया है, बताइए। BRO द्वारा निर्मित नीमू पदम दाचा रोड ये कहां बना है, ये बना है लद्दाख में, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश की मनाली को जोड़ता है लद्दाख से, क्या, नीमू पदम दाचा रोड, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो मनाली है हिमाचल प्रदेश में, ये कनेक्ट करता है इसको लेह से, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। क्या नाम है, नीमू पदम दाचा रोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस IIT ने सक्सेसफुली बनाया है स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया इस टेक्नोलॉजी को बायोमेड प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, इन्होंने स्वाइन फीवर को लेके वैक्सीन बनाई, किस IIT ने बनाई है, बताइए। ये क्या है, IIT गुवाहाटी ने, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। वैक्सीन इन्होंने बनाया और फिर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, इसको ट्रांसफर कर दिया, किसने, IIT गुवाहाटी ने, इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल याद रखना है। IIT दिल्ली को लेकर हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साइन किया था रिगार्डिंग भू प्रहार और कैसे रूरल डेवलपमेंट कर सके हम रूरल एरियाज में थ्रू टेक्नोलॉजी, किसने, IIT दिल्ली ने, ठीक है। उसके अलावा फिर इन्होंने कल ही हमने पढ़ा था NICDC, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके साथ IIT दिल्ली वालों ने कोलैबोरेशन किया ताकि ये ग्रीन फ्लिट प्रोजेक्ट बना सके इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। IIT जोधपुर को लेकर हमने पढ़ा था कि इन्होंने अनमैन व्हीकल बनाई जो पानी और हवा दोनों में चल सकती है, और IIT खड़गपुर, इंडियन नेवी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
चलो अभी हाल में जितनी भी आईटी बेस्ड न्यूज पढ़ा था सबका रिवीजन कर लिया। ऐप बताइए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो फैसिलिटेट करेगा इजी वोटिंग को फॉर द पर्सन अबव 85 इयर्स ऑफ एज या फिर जो 40% तक फिजिकली डिसेबल्ड है। बताइए कौन सा ऐप है। बिल्कुल आप बहुत आराम से बता दोगे, नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि आराम से समझ में आ जाएगा। बट आपको ही पता है कि मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं रहता है कि आपका आंसर यहाँ सही हो, आपका आंसर वहाँ सही होना है। फिलहाल सक्षम ऐप, ठीक है, ये क्या काम करेगा, तो फैसिलिटेट करेगा जो भी एल्डर एज के पीपल हैं, 85 ईयर्स के जो ऊपर के हैं या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको वोट देने में, ठीक है। चलो किसने लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। संकलन ऐप हमारे होम मिनिस्ट्री ने किया, ये जो हमारे नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं, ठीक है, उस पर काम करेगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ब्रिज करेगा ओल्ड क्रिमिनल लॉज को न्यू क्रिमिनल लॉ से, संकलन ऐप, ठीक है। उसके बाद मिशन 414, ये किसका है, ये हिमाचल प्रदेश में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। क्यों किया है, ताकि अवेयरनेस फैला सके वोटिंग को लेके, इलेक्शन को लेके, ताकि वोटर का टर्न आउट बढ़ सके। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल जो रॉन्ग कॉल्स आते हैं ना कि पैसा दे दो, आपका पासबुक एक्सपायर होने वाला है, हाँ, तो उस तरह का जो फ्रॉड वाला कॉल आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया चक्षु पोर्टल, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। काफ़ी फैक्चुअल एबल प्राइज आई है, किसको मिली है एबल पुरस्कार 2024 में, किसने जीता बताइए। ओलेग कोनोनेन को बहुत बार रिवाइज किया हुआ है हमने। क्या था ओलेग कौन थे ये ओलेग कोनोनेन को, ऐसे इंसान जो 2.5 साल से स्पेस में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, और ऐसे इंसान बन गए जो जिन्होंने लंबा समय, काफ़ी लंबा समय स्पेस में व्यतीत किया है, ओलेग कोनोनेन को। क्रिस्टीना शिकोवा मिस वर्ल्ड 2024, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना शिकोवा। रिकिन यामामोतो, ये कौन है, जापानीज है मुझे पता है, ये है आर्किटेक्टर, प्रिट्जकर अवार्ड इनको मिला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्टर अवार्ड किनको मिला है, रिकिन यामामोटो को। तो बचे क्या, माइकल टालाग्रांड, ठीक है, माइकल टालाग्रांड, मिशेल टालाग्रांड, इनको मिला है एबल प्राइज 2024 का फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। मुझे नहीं पता स्टोकेस्टिक क्या होता है, बट करंट का क्लास है, आपको जानना है मिशेल टालाग्रांड। चलो ट्यूबरक्लोसिस डे बनाया गया था, बताइए क्या थीम थी, वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल तो बिल्कुल नहीं होगा। 16 मार्च को बनाया गया था वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, उनका थीम था ये, है ना। 24 मार्च को बनाई गई थी टीवी, जिसका थीम था हाँ हम टीवी खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीवी। कब बनाई गई थी, 24 मार्च को, थीम क्या थी, यस वी कैन एंड टीवी। और इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलेट प्रोग्रेस, ये 8 मार्च को भर के मैसेज भेजा था ना, हाँ इंटरनेशनल वुमेन डे, उनका थीम था। और ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिफेक्ट्स, बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चे के लिए समावेशी सहायता, ये नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ लॉन्च किया था नीति आयोग ने, उसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल याद रखना है। तो हो गया डन, ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।